मॉइस्चर है, अंडर आईज इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। सो इस तरह से मैंने सिरम को अच्छे से अपने फेस पे यूज कर लिया। ऑलराइट, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी स्किन को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं किस चीज के लिए, मेकअप के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर। अब मैं मॉइस्चराइजर को यूज करूंगी कुछ 30 सेकेंड्स के बाद। मॉइस्चराइजर को यूज करने के लिए मैं आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ जो मॉइस्चराइजर के साथ मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसको जरूर यूज करें। ऑलराइट, ये हैं हमारे ऑप्टिमल्स के बूस्टर्स, ये कॉन्सेंट्रेट हैं, थिक बूस्टर्स हैं। इन्हें आप अकेला अपनी स्किन में यूज नहीं कीजिएगा, इन्हें अगर आपने यूज करना है तो आप किसी क्रीम के साथ यूज कीजिएगा इनको, मॉइस्चराइजर के साथ। सो एक जो येलो वाला है ये आपकी स्किन में ग्लो लाता है, जो आपका प्यूरिफाइंग है ये आपकी स्किन की प्योरिटी को बरकरार रखता है, प्योरिटी प्योर रखता है, आपकी स्किन को क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है, यू नो पोल्यूशन फ्री रखता है, प्यूरिफाइंग और ग्लो लाता है, रेडियंस। क्योंकि फेस्टिव सीजन बहुत नजदीक है, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ऑप्टिमल्स का रेडियंस बूस्टर यूज करें। सो अब मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मेकअप से पहले स्किन केयर करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आप सीधा अपने फेस पर मेकअप कभी यूज मत करना, उसका रीजन है जो मैं आपको धीरे धीरे अभी समझाऊंगी। और ये मुझे सिर्फ, मैं एक ड्रॉप इसका यूज करूंगी, दैट्स इट। इसका मैंने एक ड्रॉप यूज कर लिया। और फिर हम इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या स्टेप यूज करती हूँ जब मैं मॉइस्चराइज करती हूँ अपने फेस को। एक तरह से आप समझ लीजिए कि घर बैठे बैठे आप मिनी फेशियल कैसे अपने आप को दे सकते हैं, फेशियल मसाज के स्टेप। सो सबसे पहले मैं पूरे फेस पर इसको इस तरीके से यूज करूंगी, क्रीम को मैंने पूरे फेस पर लगा दिया। अब इसके बाद मैंने बहुत लेडीज को देखा है कि वो जब मसाज करती हैं फेस में तो वो इधर उधर तरीके से, कहीं से भी आप अपने स्किन में मसाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे जरूर करेंगे अपनी स्किन को, जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आपके यहाँ रिंकल्स पैदा होते हैं, आपके यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं, अंडर आईज में रिंकल आना स्टार्ट होते हैं। तो आपके मसाज के स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपकी फेस पर एक भी रिंकल ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, हम चिन के नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर चिन के ऊपर से, एक भी रिंकल नहीं बनाना है फेस पे, लिप के ऊपर से, लिप के ऊपर और चीक्स के नीचे से, नोज के साइड से और चीक्स के ऊपर से, आईज के नीचे नहीं, ब्रिज ऑफ द नोज, ये हमारी नोज का ब्रिज है, इसके ऊपर से और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए फोरहेड की तरफ, और जैसे ही फोरहेड के पास पहुंचेंगे तो बाहर की तरफ। ठीक है, मैं एक और बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, चिन के नीचे से, आप चाहें तो मेरे साथ ये स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आपको याद रहे, चिन के नीचे से कान के टॉप की तरफ। ऑलराइट, देखिए एक भी रिंकल नहीं बन रहा है और अच्छे से मसाज मेरे अंदर तक, स्किन के अंदर तक मॉइस्चराइजर चला गया है। फिर चिन के ऊपर से, लिप के ऊपर से और चीक बोन के नीचे से, साइड ऑफ द नोज एंड टॉप ऑफ द चीक से, ब्रिज ऑफ द नोज से लेकर आप माथे तक जाएंगे इस तरीके से, और फिर बाहर निकालेंगे। सो ये आप स्टेप अपने घर पर, अपने ब्रदर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने हस्बैंड के ऊपर, किसी के ऊपर भी ये स्टेप आप कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है हमारा चेहरा, और एजिंग को फाइट आउट करने में ये स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। और अब जो लास्ट स्टेप है, दैट इज आई क्रीम। मैं यूज करने जा रही हूँ इकोलाजन की आई क्रीम। इसका एक ड्रॉप मैं यूज करूंगी अंडर द आई, ऐसे बस, बहुत छोटा सा आपने यूज करना है। थोड़ा सा जो ट्यूब में रह गया है उसको मैं हल्का सा अपनी रिंग फिंगर पे लेकर हम इसको हल्के से डैब करेंगे अंडर आई। अंडर आई का एरिया बहुत ज्यादा नाजुक और डेलिकेट होता है, और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी लगाऊंगी, आईलिड के ऊपर। ऑलराइट, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप आई क्रीम लगाएं तो पलकों के बहुत नजदीक नहीं जाना है, ना ऊपर से ना नीचे से, नहीं तो प्रोडक्ट आंख के अंदर जाकर आपकी आंख को इरिटेट कर सकता है।
आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है, जिस जगह के लिए, वहीं पर आप इसको यूज करेंगे। सो ये डैब डैब करके यहाँ साइड पे भी आपने हल्का सा डैब डैब करना है। ऑल राइट, अब मेरी स्किन पूरी तरह से रेडी हो गई है मेकअप के लिए। लास्टली मैं अपने फेस के ऊपर जो यूज करने जा रही हूँ, लिप्स के ऊपर, दैट इज टेंडर केयर, हमारा सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। और सबसे, हम इसको मैजिकल पॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लिप्स के लिए नहीं, अगर आपके क्यूटिकल्स में भी लगा सकते हैं, यहाँ नेल्स बेड पे लगा सकते हैं, आईब्रोज में लगाइए रात को सोते हुए, इससे आईब्रोज आपकी घनी हो जाती है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है, जहां आपको ड्राइनेस लगती है आप वहां इसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं टेंडर केयर यूज करूंगी लिप्स के ऊपर। लिप्स के ऊपर इसलिए टेंडर केयर यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि मुझे मैट लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, और जो मेरी मैट लिपस्टिक है, या जो आपकी मैट लिपस्टिक है, या हम सबकी जो मैट लिपस्टिक है, वो भी हमसे कुछ चाहती है। जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास में एक मैट लिपस्टिक हो, राइट? अब इस मैट लिपस्टिक से भी कोई पूछे कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एकदम स्मूथ लिप्स, ताकि ये आपके लिप्स पर अच्छे से सेट हो जाए, बिल्कुल भी क्रैक ना हो, बिल्कुल भी पपड़ी ना जमे। तो उसके लिए हमें अपनी स्किन का, जैसे हम देखभाल करते हैं फेस का, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लिप्स का भी देखभाल करना है। तो इसलिए मैंने टेंडर केयर यूज किया। तो शुरू हो जाए हम मेकअप के साथ में। यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया है? प्लीज हाँ या ना में, शांति अगर आप ही मुझे थोड़ा सा बोल दे कि मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, सब कुछ समझ आ रहा है सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमारे पास बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। हमारी तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है ऑन कलर, दूसरी कैटेगरी है द वन। ऑन कलर हमारी बेसिक कैटेगरी है, द वन हमारी इकोनॉमी कैटेगरी है, और जीजी हमारी, जुड़ानी गोल्ड से हम कहते हैं, वो हमारी प्रीमियम कैटेगरी है। आप जिस कैटेगरी में फिट होते हो, आप उस कैटेगरी की फाउंडेशन ले सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही हमारी ऑन कलर, जो हमारी बेसिक रेंज है, शुरुआत की रेंज है ऑन कलर फाउंडेशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट फाउंडेशन, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है और मीडियम कवरेज तक है, लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगी, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है स्किन के लिए। दूसरी कैटेगरी की जो फाउंडेशन है हमारी, जो हमने अभी लॉन्च की है, ये हमारी है द वन की सिंक फाउंडेशन। ये सिंक फाउंडेशन जो है 30 घंटे का स्टे है इसका, 30 आवर्स तक ये स्टे करेगी। SPF 30 के साथ में है, अल्ट्रा वायलेट बीटा रेस से ये आपकी स्किन को बचाएगी। क्लिनिकली प्रूवन है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ फाउंडेशन। ये हमारी इकोनॉमी रेंज से। फिर आती है हमारी जो हमारी प्रीमियम रेंज है, उसमें हमारे पास में दो फाउंडेशन हैं। पहली आती है हमारी जुड़ानी गोल्ड मिनरल फाउंडेशन, ये रही जुड़ानी गोल्ड की मिनरल फाउंडेशन, और दूसरी आती है जुड़ानी गोल्ड की मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन। ये थोड़ा प्रीमियम रेंज में हो गई। जो आपको फाउंडेशन अच्छी लगती है, आप उसी के साथ अपना मेकअप का, जो आपका फेस बेस है, वो आप तैयार कर सकते हैं। मैं यूज करने जा रही हूँ हमारी नई लॉन्च फाउंडेशन, एवरलास्टिंग सेम। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कभी भी आपने मिस नहीं करना है और कभी भी भूलना नहीं है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास में इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। हमारे पास में दो प्राइमर हैं। फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी त्वचा में बहुत सारे रिंकल्स हैं, हमारी त्वचा में ओपन पोर्स हैं, हमारी त्वचा में गड्ढे हो सकते हैं, हमारी त्वचा में फाइन लाइंस हो सकती हैं, पिंपल के मार्क्स हो सकते हैं, पिंपल एक्ने हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन का सरफेस स्मूथ नहीं होता है। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे तो आपकी ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं होगी, प्लेन नहीं दिखेगा, बहुत अननेचुरल दिखेगा, बनावटी लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है। जबकि हमने गलती क्या की है कि हमने एक स्टेप मिस कर दिया है, जिसे हम कहते हैं फेस पर प्राइमर लगाना। सो ये दो हमारे प्राइमर हैं, एक हमारी इकोनॉमी कैटेगरी से, इसे हम कहते हैं द वन पोर मिनिमाइजर, एक हमारी जो प्रीमियम कैटेगरी है, इसे हम कहते हैं यूथफुल एलिक्सर प्राइमर। ये दोनों प्राइमर अलग अलग फेस के लिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लिए जाते हैं। जिसका फेस बहुत ज्यादा ऑयली है,
जिसके फेस पर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, उन सब के लिए द वन पोर मिनिमाइजर। फिर से रिपीट कर रही हूं, जिनके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं द वन पोर मिनिमाइजर, 7 घंटे का मैट स्टे है, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, ह्यूमिडिटी वाली अगर आप जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ह्यूमिड कंडीशंस हैं, वहां के लिए ये प्राइमर, उस एरिया के लिए, उस क्लाइमेट के लिए ये प्राइमर बहुत अच्छा है। जिनकी स्किन पर आपको ग्लो नहीं दिख रहा है, लटकी हुई त्वचा दिख रही है, नमी की कमी है, उन सब के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ग्रानी गोल्ड का यूथफुल प्राइमर यूज करें। एक तो ये ग्लो लाता है, दूसरा इसमें जो यूज किया गया है एक्सट्रैक्ट, वो है जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में वॉल्यूम लाता है, जान लाता है, ग्लो लाता है। और जो द वन पोर मिनिमाइजर है, इसमें यूज किया गया है विटामिन ई। विटामिन ई आपके फेस के ब्लेमिशेस, मार्क्स वगैरह को फाइट करने में मदद करता है, छिपाने में मदद करता है। तो आपने अपनी स्किन में देखना है कि ओपन पोर्स हैं तो द वन पोर मिनिमाइजर, ग्लो नहीं है, कमी है आप में नमी की, हाइड्रेशन नहीं है, ड्राई त्वचा है, गो फॉर पोर दिस वन यूथफुल एलिक्सर प्राइमर। तो सबसे पहले मैं यूथफुल एलिक्सर प्राइमर यूज करूंगी क्योंकि मुझे ग्लो चाहिए अपने फेस पर। सो मैं यूथफुल एलिक्सर प्राइमर यूज करने जा रही हूँ। जस्ट थोड़ा सा लिया एक ड्रॉप, जैसे आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वैसे ही आपने पूरे फेस पर यूज करना है। लेकिन जब आप द वन पोर मिनिमाइजर ये वाला प्राइमर जब आप यूज करते हैं तो आपने पूरे फेस पर इसको यूज नहीं करना है। आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूं। हल्का सा, बिल्कुल मटर के दाने के जितना अमाउंट लेना है आपने, ठीक है, रिंग फिंगर से आपने सिर्फ वहीं पर इसको यूज करना है। से सपोज ये मेरा ओपन पोर्स होते कहाँ का है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, नोज के आसपास, टॉप ऑफ द चीक्स, अपर लिप पर और चिन पर, यही एरियाज हैं जहां पर आपको ओपन पोर्स दिखेंगे। से सपोज अगर ये मेरी चिन है तो मैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन से इस तरीके से मैं द वन पोर मिनिमाइजर लगाऊंगी। अगर आप समझ लीजिए कि ये मेरा फोरहेड का एरिया है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो यहां पर मैं इस तरीके से सर्कुलर मोशन में यूज करूंगी। आप दोनों ही प्राइमर को आईज के नीचे और आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपके जरा थोड़े से बीच में क्वेश्चंस देख लूं, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सबसे एंड में जो है आपके साथ लूंगी सारे क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन की। मैं यूज कर रही हूँ सिंक फाउंडेशन, जो मेरा शेड है वो है 35783 लाइट बेज न्यूट्रल, और ये हमने हल्का सा बैक ऑफ द हैंड लिया। आप चाहें तो इसे अपने हाथ से यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ब्रश के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हैं तो आप हाथ से भी यूज कर सकते हैं। मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ F03। 5 जगहों पर आपने लगाना है इसे, सेंटर ऑफ द फोरहेड, माथे के बीच, नोज का ब्रिज पे, अपर लिप पे, चिन एरिया पे, 1, 2, 3, 4, और 5th पार्ट हो गए आपके चीक्स। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ब्रश ही यूज करना है। पहले आप हाथ से लगाने में कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप ब्रश की तरफ बढ़े, और अब इसे आप ब्रश से ही अपने हाथ से पूरे फेस पर फैलाएंगे। ओके, इस तरीके से आपने फैला दिया, और आई एम श्योर आप सब ने स्पंज देखा होगा, स्पंज जो होता है मेकअप स्पंज, उससे हम ब्लेंड करेंगे। उसे आप हल्का सा गीला कर लीजिए और फिर ब्लेंड कीजिए। जैसे कि ये मैंने, मेरे हाथ में स्पंज है, इसे मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ दिया, और इससे मैं डैब करके अंडर आई नहीं लगाऊंगी फाउंडेशन को। अगर अंडर आई लगा भी देते हो कुछ गलत नहीं होगा, पर मैं कंसीलर का यूज करती हूँ। अगर आप लगाते भी हैं अंडर आई तो बिल्कुल घबराइएगा मत कि ये स्टेप गलत है या अंडर आई में लगा दिया है फाउंडेशन तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑलराइट, सो ये मैंने, ये है मेरी फर्स्ट लेयर।
आप चाहें तो यहीं रुक सकते हैं कंसीलर, उसके बाद में आप पाउडर यूज कीजिए, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल सीजन है थोड़ा सा मुझे इवन टोन चाहिए अपने फेस के ऊपर, ब्राइटनेस चाहिए, तो मैं एक लेयर और लगाऊंगी। सो ये मैं एक लेयर और लगा रही हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस सेंटर में ही होगा। अगर मैं बार बार इधर देख रही हूँ तो इधर मेरा मिरर है, ऑलराइट, आईना है जिसकी तरफ मैं देखकर ब्लेंड कर रही हूँ। परफेक्ट, ये रहा हमारा सेकेंड लेयर फाउंडेशन की, और अब हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। Done. और ये इस तरीके से हमने अपना बेस बना लिया, एक इवन बेस बना लिया अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर का। सो कंसीलर के लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि आप येलो बेस कंसीलर लें। क्यों? सबसे पहले येलो बेस कंसीलर लें। सब लोग ऐसा कहते हैं कि कंसीलर जब भी चूज करना हो तो एक शेड लाइटर कंसीलर लें। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, आपको अपने शेड से, स्किन के शेड से एक टोन लाइटर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पिंपल्स के मार्क्स हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप येलो बेस्ड कंसीलर लें। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ओरिफ्लेम के एवरलास्टिंग प्रिसिजन कंसीलर, 25 घंटे का स्टे है, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे है और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। इसमें मैं 3 नंबर वाला जो कंसीलर है वो यूज करूंगी अपने डार्क सर्कल्स पे, जिसका नाम है डार्क बेज और जिसका नंबर है 33708। इसे मैं सिर्फ और सिर्फ अंडर आई में यूज करूंगी। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे स्पंज से। सो आप देखिए किस तरह से इस कंसीलर ने पूरी तरह से मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है, बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्का सा येलोनेस आया है, उस येलोनेस को ठीक करने के लिए मैं लाइटर कंसीलर का यूज करूंगी और इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ द फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, हाइलाइटिंग कर रही हूं मैं इस समय। जिनको ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं वो क्या करें, वो डार्क बेज कंसीलर का यूज करें, बताया ना मैंने, नंबर 3 वाला 33708 उसका यूज करें। और मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को भी डार्क सर्कल्स हैं, तो इसी प्रोसीजर से आप चलना। आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, इतना ज्यादा अगर हम प्रोडक्ट लगाएंगे हमारा प्रोडक्ट तो खत्म हो जाएगा। सो आपने इतना ज्यादा नहीं लगाना है, ये तो वीडियो के थ्रू आप मुझे देख रहे हो तो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ रहा है ताकि आप अच्छे से एप्लीकेशन को समझें, लेकिन जब आप खुद अपना मेकअप करेंगे तो आपको इतना प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ब्राइडल मेकअप करते हैं तो उसको आपने अच्छे से प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि ब्राइड को लंबे समय तक एकदम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है। डन, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे सेम ब्लेंडर से। मैं चाहती हूं कि ये जो मेरा सेंटर ऑफ द फेस है ये सारा हाईलाइट हो, बहुत अच्छे से उभर के दिखे, और ये हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया सॉफ्ट हैंड के साथ। आप देख रहे हैं कैसे मेरा अंडर आई एरिया ब्राइट हो गया है बहुत ज्यादा। घबराना नहीं है, आपको लगेगा कि इतना सफेद तो हम नहीं कर सकते, आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली आपने अपना प्रोडक्ट चुनना है, अपना कंसीलर चुनना है, ऑलराइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आप सबको मेरी अपर आईलिड एरिया दिख रहा है जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, दिख रहा होगा आपको।
मैं एक आई में आपको ये कंसीलर लगाकर दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि किस तरह से इतने छोटे अमाउंट से ही मेरा पूरा ये जो डार्कनेस है मेरे आईज के ऊपर ये पूरी तरह से छिप जाएगी। देखिए फर्क देखिए दोनों में, ये इतना पावरफुल कंसीलर है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप प्रिसिजन कंसीलर लें। वैसे हमारा दूसरा कंसीलर भी है जिसे हम इल्यू स्किन कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, पर लॉन्ग लास्टिंग हमारा प्रिसिजन कंसीलर ही है। 25 घंटे का स्टे है इसका। ऑल राइट, आप मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जिसका नाम है द वन क्रीम इल्यूमिनेटर। आप अपने हिसाब से कम प्रोडक्ट्स के साथ में मेकअप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका यूज करें, आप नहीं चाहे तो इसका यूज ना करें, जैसा आपको ठीक लगे। ये ग्लो लाने के लिए, जो क्रीमी ग्लो होता है ना, हाईलाइट जो होता है वो लाने के लिए, मैं इसको क्या करूंगी, हल्का सा बैक ऑफ द हैंड ले लिया मैंने द वन का क्रीम इल्यूमिनेटर और अपनी फिंगर से इसे टॉप ऑफ द चीक्स के ऊपर, थोड़ा सा नोज की टिप के ऊपर, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे, क्यूपिड्स बो एंड सेंटर ऑफ द चिन पर इसे यूज किया। ऑल राइट, और फिर मैं अपने फिंगर के साथ ही इसे ब्लेंड करूंगी। जो ये क्रीम इल्यूमिनेटर है इसका कोड है 33416 और जो मैंने डार्क कंसीलर यूज किया, येलो बेस कंसीलर जो यूज किया है उसका कोड है 33708। फाउंडेशन तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली लेंगे, मैं सबके नाम बोलूंगी, आपने सिर्फ नोट करना है कोड और नाम मैं सबके बोलूंगी। ऑलराइट, सो फाउंडेशन तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली लेंगे, स्किन टोन के अकॉर्डिंगली। जो मैंने कंसीलर यूज किया है डार्क के लिए वो है 33708। दूसरा कंसीलर जो मैंने यूज किया है वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है, वो है लाइट न्यूड जिसका कोड है 33706। मैंने क्रीम इल्यूमिनेटर यूज किया थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए फेस पर, अगर आप देखेंगे हल्का सा ग्लो आ रहा है, नेचुरल ग्लो आ रहा है मेरे फेस के ऊपर, इसका कोड है 33416। ओके, अब मैं यूज करने जा रही हूँ कॉम्पैक्ट यानी कि फेस पाउडर। शुरुआत कर रहे हैं अगर आप मेकअप के साथ तो मैं आपको बोलूंगी कि ऑन कलर का फेस पाउडर यूज कीजिए। इसका पफ बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पफ है, बिल्कुल भी वो पतला वाला पफ नहीं है, बहुत ही सुंदर पफ है। पफ से आपकी जो कवरेज होती है पाउडर की वो ज्यादा रहती है, और अगर आप ब्रश यूज करते हैं पाउडर ब्रश तो उससे आपको कवरेज जो मिलती है वो बहुत ही नेचुरल कवरेज मिलती है। हमारे पास जो ओरिफ्लेम में ब्रश है वो है F01। मैं यूज कर रही हूँ जुड़ानी गोल्ड का पाउडर। हाउ टू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू डू बेकिंग अंडर आइस, डेफिनेटली आई विल टेल यू हाउ टू डू बेकिंग। सो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जुड़ानी गोल्ड का शीयर पाउडर जिसमें मेरा जो कलर है वो है लाइट। इसमें भी आपको पफ मिलता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पफ से हैवी कवरेज मिलता है और ब्रश से लाइटर कवरेज। अब मैं ब्रश लूंगी और इस तरीके से पूरे फेस पर, आईज में जरा ध्यान रखें, आंख ना खोलें जब आप पाउडर का यूज कर रहे हैं पाउडर ब्रश से। बहुत ही लाइटली मैं पूरे फेस पर पाउडर का यूज करूंगी। नेचुरल मिनरल्स से बना है, इसमें मिनरल्स ही मिनरल्स हैं इसमें, इस जुड़ानी गोल्ड के पाउडर में। और इसका कोड जो है वो है 31808। ऑल राइट, अब हम करने जा रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि बेकिंग, मैंने अभी पढ़ा कि बेकिंग किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊं बेकिंग होता क्या है। आप सब ने सुना होगा कि हम केक को बेक करते हैं, हम मफिन्स बेक करते हैं अवन में या फिर माइक्रोवेव में, आपने केक बनाए होंगे, उसे कहते हैं बेकिंग करना। अगर आपने देखा होगा जब हम केक बनाते हैं तो केक कैसे उभरता है ना ऊपर की तरफ, या मफिन बनाते हैं या हम इडली बनाते हैं तो वो छोटी हमने डाली होती लेकिन वो कैसे उभर के बड़ी हो जाती है,
इस उभरने की टेक्निक को बेकिंग कहते हैं। और बेकिंग हम फेस पर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स जो हैं, कौन कौन से हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, किसी का सेंटर ऑफ द फोरहेड होता है, किसी का टेम्पल्स होता है, ब्रिज ऑफ द नोज सबका हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप ऑफ द चीक्स, क्यूपिड्स बो, सेंटर ऑफ जो आपने नीचे लगाया, प्लीज पूरा पूरा लिखिए हंसी आप मैम, आपको नीचे लगा जो आपने नीचे लगाया, प्लीज आप पूरा लिखिए कि मैंने क्या यूज किया, नीचे क्या लगाया कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, सो पूरा लिखना है आपने, ओके ऑलराइट। सो हमारा सेंटर ऑफ द चिन, ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट्स है। इसे जब भी हम बेक करें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि लाइटर पाउडर के साथ बेक करें, और लाइटर पाउडर हमारे पास में एक ही कैटेगरी में आता है जो है इल्यूस्किन। इल्यूस्किन का मैं लाइट पाउडर ले रही हूँ, और मैं इसके लिए लूंगी एक छोटा सा कॉटन का बॉल इस तरीके से, ये मैंने कॉटन बॉल यूज किया, और इसे मैं बेक करूंगी कहां कहां, सेंटर ऑफ द फोरहेड। आपको लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा लगा दिया शायद इन्होंने, पर ये इस टेक्निक को हम बेकिंग कहते हैं। सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, सेंटर ऑफ द चिन, और फिर अच्छे से बेक करेंगे हमारी अंडर आईज एंड टॉप ऑफ द चीक्स। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से मैं आपको ग्लैमरस मेकअप दिखा रही हूं, लेकिन बहुत ही सिंपल लगेगा एट द एंड। आप इसमें से अपनी मनचाही स्टेप्स को यूज कर सकते हैं, जिन स्टेप्स में आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टेप्स यूज करें। ऑलराइट, थोड़ा सा हम जॉ लाइन के ऊपर भी बेक करेंगे, जॉ लाइन के ऊपर। ऐसा करने से आपको लगेगा कि ऑलरेडी मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है, पर ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है, कॉन्टोरिंग वाले एरिया में बिल्कुल भी लाइटर पाउडर नहीं लगाया, उसके आगे पीछे लाइटर पाउडर लगा दिया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि हमने कॉन्टोरिंग की हुई है। डन, 30 सेकेंड्स के लिए हम इस पाउडर को रखेंगे, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आईज के साथ। तो 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, हम सेंटर ऑफ द फोरहेड से इसे हटाएंगे, ब्रिज ऑफ द नोज से हटाएंगे, क्यूपिड्स बो, चिन, जॉ लाइन, और हम अंडर द आई से नहीं हटाएंगे, क्योंकि अब हम आई शेडो की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो अगर कोई फॉल आउट होता है, अगर कुछ गिरता है, तो वो इसी पाउडर पे गिरेगा और फिर हम एंड में पाउडर हटा देंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ आप चाहें तो ऑन कलर का पैलेट यूज कर सकते हैं, हमारे पास में 2 पैलेट हैं, इसके ऊपर का थोड़ा सा मुझसे टूट गया है। इस पैलेट का जो नाम है पेस्टल पैलेट, और इसका कोड है 38814। इसमें आपको व्हाइट हाईलाइट, पिंक हाईलाइट, पिंक कलर, थोड़ा सा ग्रे कलर, गोल्डन, हल्का सा वेरी वेरी ब्राउनिश पर्पल कलर और 2 ब्राउन कलर मिलते हैं। दूसरा जो पैलेट है, जो मेरा फेवरेट है, वो है न्यूड पैलेट 38815, इसका कोड है। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ये जो ब्लैक कलर है, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है, जेट ब्लैक नहीं है, इससे आप अपनी आईब्रोज भी बना सकते हैं, और इसमें बड़ा ही सुंदर हाइलाइटिंग कलर है, जो कि नंबर 1 है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर हाइलाइटिंग कलर है, तो मैं इससे अपनी आईब्रोज जरूर बनाऊंगी। ऑलराइट, इसके अलावा ऑन कलर के हमारे पास में द 1 के हमारे पास में कलर्स हैं, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कलर्स, फॉर एग्जांपल फ्रिजी ऑरेंज, इलेक्ट्रिक रोज, रेडिएंट ब्रॉन्ज, इसके अलावा फज ब्राउन, डिम बगेंडी। सो मैं जो यूज करने जा रही हूँ, वो यूज करने जा रही हूँ डिम बगेंडी, जिसका कोड है 42563 42563, और इसे ब्लेंड करने के लिए, इसे अपने आईज पर लगाने के लिए मैं यूज करूंगी हमारे 2 ब्रशेस, एक है E01 और दूसरा है E02। ये रहा E02, जिसका डुअल एंडेड है, एक तरफ टिप है और एक तरफ ब्रिसल्स है, तो मैं यूज करूंगी E02, और दूसरा जो मेरा ब्रश रहेगा वो रहेगा ब्लेंडिंग ब्रश E01, ये ब्लेंड करने के लिए, तो मैं E01 का यूज करूंगी डिम बगेंडी
पूरी आईलिड के ऊपर, ऑल राइट। थोड़ा सा हम आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, और धीरे 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 हम मिडिल लिड पर जाएंगे, ज्यादा नहीं लेना है कलर, सिर्फ इतना थोड़ा सा, और फिर इनर लिड की तरफ जाएंगे। सो हमने एंटायर लिड को कवर किया, लेकिन बहुत ही कम कलर के साथ में। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ऑल राइट, दैट्स इट। ये हमारा फर्स्ट आई शेडो लग गया है। सेम हम दूसरी जगह पर करेंगे, दूसरी आईज पर। हल्का सा हमने आउटर कॉर्नर तैयार किया अपना पहले, ठीक है, और उसके बाद हम आउटर कॉर्नर से सेंटर ऑफ द लिड पर आएंगे धीरे धीरे। ज्यादा कलर नहीं लेना है, बहुत कम। मैं फिर से दिखाती हूँ, ऐसे मैं कलर लेती हूँ। ये आ गया मेरे ब्रश पे कलर, टैप ऑफ करती हूँ, और फिर हम इसको यूज करेंगे हल्का सा इनर लिड पे। सो इनर लिड, सेंटर लिड, आउटर कॉर्नर। सॉफ्ट ब्लेंड कर रही हूं मैं, बहुत सॉफ्ट ब्लेंड, बिल्कुल भी हमने लाइन नहीं छोड़नी है किसी आई शेडो की। और ये ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रश है सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए। जिस तरीके से मैं आपको प्रोडक्ट सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप अगर अपने नेटवर्क में इस तरीके से कलर्स को समझाओगे, सिखाओगे, मैं आपको डैम श्योर हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपके कलर्स के थ्रू आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगा। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, आप अपने बीपीस बढ़ा सकते हैं, आप अपने लिए बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मैंने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा डार्क किया है, और फिर हमने पूरे कलर को हम अंदर लेकर गए हैं। अब मैं आपको टेक्निक दिखाती हूँ। हम आप वैसे ऑन कलर का आई शेडो लगा सकते हैं, बट मैं वेट एंड ड्राई आई शेडो, जो हमारा द वन का मेकअप प्रो वेट एंड ड्राई आई शेडो है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इसे आप एक तो सीधा सिंपल ऐसे लगा सकते हैं, और इसे वेट करके भी लगा सकते हैं। वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं पानी लूंगी, बहुत हल्का सा, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, बहुत हल्का सा मैंने पानी ले लिया, ओके। और मैं इस तरह से पानी अपनी उंगली पर लूंगी, आपको दिखा देती हूँ मैं, देख रहे हैं, ओके। और फिर मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रिक रोज, और इलेक्ट्रिक रोज से मैं वेट कर कर आई शेडो को फिर आईज के ऊपर बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी, जस्ट इन द सेंटर। आप चाहें तो पूरी लिड पे, देखिए जब इसे हम लगाते हैं तो ये कैसा पानी के साथ में लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर दिख रहा है ये। सो इस तरीके से आप वेट भी लगा सकते हैं और पानी के साथ भी लगा सकते हैं। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर में यूज कर रही हूँ, फिंगर से ही, थोड़ा थोड़ा अपना वेट करके। ऑल राइट, और यही चीज हमने अपनी दूसरी आई पे भी करनी है। सिर्फ आई बॉल जहां आपकी होती है सेंटर आई बॉल पे, उसके ऊपर ही आपने यूज करना है। आप चाहें तो पूरी लिड पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। दोनों आईज में देख लीजिए बराबर लगा है या नहीं, परफेक्ट।
इसे हम साफ कर लेते हैं बैक ऑफ द हैंड। और देखिए जब ये एक बार लगता है तो हटता भी नहीं है, 15 घंटे का स्टे है ये। द वन पैलेट से कब कर सकते हैं मैम? ये वेट शेडो द वन पैलेट से कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं मतलब जब मन करे तब आई शेडो लगाइए। ऑलराइट, अब ये, अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ इसमें बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ये स्टेप कीजिए, आप स्किप करना चाहते हैं ये नहीं करना है आपने, आप छोड़ सकते हैं ये। मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को डार्क करूंगी ब्लैक आई शेडो से, आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और मैं दोनों तरफ यूज करने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूंगी। सो मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क कर रही हूं, ज्यादा नहीं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो बस एक कलर लगाया, वेट एंड ड्राई आई शेडो को वेट किया। आप जितने भी क्वेश्चंस भेज रहे हैं ना उन सब के जवाब मैं एट द एंड दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो, मेरी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल भी बोर ना हो आप लोग। ऑल राइट, अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और ब्लेंडिंग ब्रश से ही जो हमने ब्लैक कलर यूज किया है, कैन वी डीप ब्रश, डीप ब्रश लिटिल मच इन वॉटर, या एब्सोल्युटली, जैसे मैंने फिंगर को वेट करके यूज किया आप ब्रश को भी वेट करके यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी कि आपको सीखने को मिल रहा है और ऐसी ट्रेनिंग्स हम और करते रहेंगे। आई एम श्योर जब जब शांति देवी जी कहेंगी तब तब मैं जरूर ट्रेनिंग के लिए आऊंगी। ऑलराइट, और अब हम क्या करेंगे, वेयर इज माई पैलेट, हाँ सिर्फ ब्लेंड कर रही हूं मैं हल्का सा। ब्यूटिफुल, डन। और ये रही हमारी आई शेडो, डन। अब हम क्या करेंगे, न्यूट पैलेट जो ऑन कलर का ब्लैक कलर जहां से मैंने लिया है उसी का जो हमारा फर्स्ट वाला, मेरा ब्रश कहां गया, जो हमारा फर्स्ट वाला आई शेडो है ये वाला, ये न्यूट पैलेट ही है ब्लैक जहां से मैंने लिया था, इसी का फर्स्ट आई शेडो हम उठाएंगे। बहुत ही सुंदर आई शेडो है ये हाइलाइटिंग के लिए, और हम ब्राउ बोन में हाइलाइट करेंगे। मैं इस आई शेडो से फेस को भी हाइलाइट करती हूँ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आई शेडो है हाइलाइटिंग के लिए, और मैं ब्राउ बोन जो है उसे हाईलाइट करी हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब कोई भी आई शेडो की लाइन नहीं छोड़नी है। जैसे ही हमने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया, ब्लेंडिंग ब्रश उठाइए, बिल्कुल क्लीन कीजिए उसको और फिर हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए ताकि कहीं से भी हार्श लाइन ना दिखे। बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंडेड लुक आना चाहिए। अब सोचिए मैं लेंस लगा लूं, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, नकली आईलैशेस लगा लूं, कहीं से ग्लिटर लेकर हल्का सा ग्लिटर लगा लूं, तो हो गया ब्राइडल लुक, दैट्स इट। ओके, दिस इज डन, हमारी हाइलाइटिंग भी हो गई। अब मैं क्या करने जा रही हूं, ये जो हमने अंडर द आई जो हमने पाउडर डाला है इसे हम हटाएंगे। आप देखेंगे कि पाउडर मैं हटाऊंगी और मेरी अंडर द आईज अच्छे से हाईलाइट हो गई। कितना हाईलाइटेड है देखिए, अभी आपको ये बहुत सफेद लग रहा होगा, डू नॉट वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे बाप रे ये मैं तो कैरी नहीं कर सकती, ये तो बहुत ज्यादा सफेद है मेरे लिए, ऐसे तो नहीं हो सकता है, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ किसी फंक्शन में। अभी ब्लश ऑन लगेगा, अभी कॉन्टोरिंग होगी, सब बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से आप पाउडर को हटाइए, मेक श्योर कि ब्रिसल्स आपकी आंख में ना जाएं। डन,
अब हम क्या करने जा रहे हैं, लोअर लैश लाइन पे भी कुछ करेंगे। आप चाहें तो ये स्किप कर दीजिए, सीधा नॉर्मल काजल लगाइए, मस्कारा लगाइए, आईलाइनर लगाइए, हो गया। लेकिन अगर किसी की आंखें छोटी हैं और उसको बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि आपने सिर्फ और सिर्फ आउटर लैश लाइन जो है ना, नीचे वाली, सॉरी लोअर लैश लाइन नीचे वाली, यहाँ पर आपने काजल या किसी भी कलर्ड पेंसिल का यूज करना है। हमारे पास में द वन की कलर्ड पेंसिल्स हैं जो अभी नई आई हुई है, मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मैं उनको अपना फेवरेट क्यों कह रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एक और कलर था इसका, या 2 to 4, 5, 6, यस। सो ये ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग कलर्स हैं। मैं इसमें से चुन रही हूँ ब्लू, या फिर हम चुन सकते हैं ग्रीन। ब्लू या ग्रीन में से कोई भी चुन सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग ब्लू चुनते हैं। ऑल राइट, कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसे हम लोअर लैश लाइन में यूज करेंगे। आप चाहें तो काजल पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने लोअर लैश लाइन पे इसे यूज किया। अब मैं अपना एंगल्ड ब्रश लूंगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसा होता है एंगल्ड ब्रश। ये आपके ऊपर है, आप, मेरा काम है आपको सारी टेक्निक सिखाना, आपके ऊपर है कि आप धीरे 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 जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आज इस ब्रश की जरूरत नहीं है, लेकिन कल जब प्रैक्टिस करोगे तो इस ब्रश की जरूरत पड़ेगी। मैं यूज कर रही हूँ E03 एंगल्ड ब्रश। इससे आईब्रो भी बन सकती है, लोअर लैश लाइन पे भी यूज हो सकता है। और मैं सेम डिम बर्गेंडी यूज कर रही हूँ, 4 to 5, 6 जो सबसे पहले हमने मैट कलर यूज किया था। हल्का सा कलर ब्रश पे लिया और इस ब्लू के साथ में स्मज किया। आप चाहें तो ब्लैक कलर भी ले सकते हैं स्मज करने के लिए। बिल्कुल भी वाटर लाइन में कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम छोटी आंखों को बड़ा करेंगे, दिखाएंगे कि बड़ी है। So, इस तरीके से हमने स्मच किया। दूसरी आईज में भी हम ऐसे ही करेंगे, लोअर लैश लाइन पे जाएंगे, कलरफुल लुक बनाते हैं, बिल्कुल फेस्टिवल से भरा हुआ लुक। जैसे हमारे फेस्टिवल में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, रंगोलियां, इतनी सारी स्वीट के डिशेस, कहीं पीले रंग का गुलाब जामुन है, पीले रंग का गुलाब जामुन नहीं होता ना, काले रंग का गुलाब जामुन है, रसगुल्ले व्हाइट कलर के हैं, मतलब बहुत सारे डिशेस खाने को मिलती हैं, स्वीट्स खाने को मिलते हैं, सब जगह कलर्स ही कलर्स होते हैं। इसीलिए इस लुक को हम बहुत ही ज्यादा फेस्टिव लुक बनाएंगे। ऑलराइट, सो ये ब्लू मेरी आईज के नीचे, सेम डिम बगेंडी जो हमारा मैट कलर है, एंगल्ड ब्रश में लेंगे और इससे स्मज करेंगे। कभी भी आप काजल लगाते हैं अपनी आईज में, वाटर लाइन में, या फिर लैश लाइन में कोई कलर पेंसिल लगाते हैं, प्लीज उसे किसी भी मैट आई शेडो के साथ जरूर ब्लेंड करें। इससे आपका काजल या कोई भी रंग की आई पेंसिल कभी भी फैलेगी नहीं। थोड़ा सा और यूज करूंगी मैं यहां ब्लू। अच्छा, एक और बात बताती हूँ आपको, द वन की आई पेंसिल्स जो हमारी नई आई हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। आप लोग मेरे साथ फेसबुक में जुड़े होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो मेरे फेसबुक में प्लीज मुझे ज्वाइन करें। मेरा फेसबुक का नाम है कलर्स, COLOURS कलर्स मोनिका। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज, पिक्चर्स, रियल स्वॉचेस दिखेंगे, और मैं सेल्स टीम के साथ भी रियल पिक्चर्स, स्वॉचेस जरूर हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि उनके साथ शेयर करूँ, और उनकी तरफ से आप तक भी जरूर पहुंचती होंगी। सो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए वहां पर। ऑलराइट, सो मैं आपको बता रही थी द वन हाई इम्पैक्ट पेंसिल, जो नई पेंसिल्स आई हुई है हमारी, ये
वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ, स्वेट प्रूफ, वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. अगर मुझसे पूछोगे तो 25 आवर्स का स्टे है. जैसे ही आप इसको लगाएं तुरंत स्मज करना है, अगर करना है तो, नहीं तो ये वहीं पर टिकी रह जाएगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी. ऑलराइट, बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है इस पेंसिल्स के लिए कि आपने बहुत दबाकर इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, ये बहुत डेलिकेट डार्लिंग है. इस डेलिकेट डार्लिंग को ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं यूज करना है, हल्का सा निकालिए बाहर और फिर यूज कीजिए. ऑलराइट, सो ये मैं आपको जरूर बता, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है. वेरी गुड, जॉइन मी कलर्स मोनिका, मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी. ऑलराइट, ओके, सो दिस इज डन. नाउ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. अब ये जो है सबको बहुत पसंद है आईलाइनर स्टेप, और सब चाहते हैं कि उनके विंग बहुत अच्छी बने. सो मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ, वेयर इज माई ऑन कलर, ऑन कलर का आई लाइनर. आई जस्ट लव दिस आई लाइनर. छोटा सा है, पर्स में कहीं पर भी रख लो फिट आ जाता है, मेरे चश्मे के केस में भी फिट आ जाता है दिस ऑन कलर का लाइनर. बड़ा कॉम्पैक्ट और स्वीट सा है, छोटा सा, ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक है. और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसका जो टिप है वो स्पंज से बना हुआ है. ब्रश जो है इसका, ये स्पंज है. सो इससे आपको बहुत अच्छी लाइन क्रिएट होती है. तो सबसे पहले मैं विंग बनाऊंगी. देखिए, लाइक दिस, ये मैंने अपनी विंग बना ली. मैं पास आ जाती हूँ ताकि आपको दिख जाए, और फिर मैं इसे अंदर की तरफ कनेक्ट करूंगी. ओके, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए ताकि आपकी जो लाइन बेस बनाई है वो पूरी तरह से एकदम सपाट लाइन हो जाए. सपाट लाइन को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन. ये रहा मेरा विंग्ड आईलाइनर, एक आई पर डन. ओके, सेम थिंग हम दूसरे आई पे करेंगे. सबसे पहले आसान, जो कठिन काम है उसको सबसे पहले कर लो, वो है विंग बनाना. ये मेरी विंग बन गई, और अब हम विंग को कनेक्ट करेंगे अंदर की तरफ, जैसे हमने पहली वाली आई पे किया. आप बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं बात नहीं कर सकती हूँ ज्यादा आईलाइनर लगाते हुए. बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरा आईलाइनर पे होना चाहिए, सो दैट दोनों ही इक्वल लगे. ऑलराइट, सो मैं अब इसको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ. ऑलमोस्ट डन.
ओके ये करने के बाद में सी द बोथ आईलाइनर्स। अब ये करने के बाद में मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें और ज्यादा लंबी लगे, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो इनर कॉर्नर है आई का उससे थोड़ा सा मैं लाइनर बाहर निकालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। राइट इस तरीके से। सो दिस इज डन। थोड़ी सी मेरी अब आप पहले की आईज और अभी आईज में देखिए कितना फर्क है। ओके इसके बाद हम लगाएंगे आपका जो भी फेवरेट मस्कारा है आप उसको यूज कीजिए। मेरा फेवरेट मस्कारा कहाँ गया, मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट इज ऑलवेज कहाँ गया मेरा। ओके आप चाहें तो वाटरप्रूफ मस्काराज मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं हमारे पास में। ये रहा हमारा ट्रिमेंडस वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए तो इसे यूज कीजिए, एब्सोल्युटली वाटरप्रूफ द वन कैटेगरी का जिसका। देन ऑन कलर कैटेगरी का जो नया हमारा मस्कारा लॉन्च हुआ है दैट इज जिसका नाम है बिग लैश मस्कारा। लैशेस को लेंथनिंग बहुत ज्यादा देता है, वॉल्यूम तो देता ही है पर लेंथनिंग भी देता है, ये भी वाटरप्रूफ है। फिर हमारा आता है देखिए बहुत सारे मस्काराज हैं और सभी मस्काराज बहुत अच्छे हैं, सबके कोड बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारा ट्रिमेंडस वॉल्यूम मस्कारा है उसका कोड है, आई एम सॉरी इसका पीछे से प्रिंट हट गया है जिसकी वजह से मैं कोड पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ अगर मुझे इसका कोड दिख जाए। 34603 ओके। देन बिग लैश ऑन कलर मस्कारा का कोड है 422 73 422 73। आपको देखना होगा कि कौन कौन सा अवेलेबल है, आई थिंक ये तो अवेलेबल है ही। द वन वाइड ओपन मस्कारा, अगर आप बहुत ही ज्यादा फ्लैटरी लैशेस चाहते हैं, लेंथी लैशेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाहर से बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा लगे, तो उसके लिए मैं वाइड ओपन मस्कारा द वन का आपको रेकमेंड करूंगी जिसका कोड है 31473 आई थिंक, या 31473। फिर आता है हमारा डबल एक्सल मस्कारा, ये भी वाटरप्रूफ मस्कारा है जिसका कोड है 3441 3441। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड मस्कारा। देन आता है हमारा 5-in-1 वंडर लैश मस्कारा, ये भी वाटरप्रूफ मस्कारा है जिसका कोड है 3304 3304। ये भी द वन कैटेगरी से, हमारे पास द वन कैटेगरी से 1 2 3 4 4 मस्काराज जो अभी चल रहे हैं द वन कैटेगरी से। ऑन कलर से हमारे पास में एक मस्कारा है और जुड़ानी गोल्ड का भी मस्कारा है, बट प्लीज आपको चेक करना होगा कि जुड़ानी गोल्ड का मस्कारा अवेलेबल है या नहीं है, विच इज दिस वन। ये मेरा फेवरेट है और इसी में यूज करूंगी जिसका कोड है, वेयर इज द कोड, बहुत छोटा, 32576 32576 जुड़ानी गोल्ड मस्कारा। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है और इससे मैं यूज करूंगी अपनी लैशेज में। पहले रूट्स पे लगाइए, विगल 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 रूट्स पे। सबसे पहले हम अपनी लैशेस की जो रूट्स हैं उनको उसको घना करेंगे ओके, और फिर फैन आउट कीजिए बाहर की तरफ, पूरे लैशेस पे लगाइए। और फिर जो आपकी बाहर की लैशेस हैं बाहर की तरफ आपने स्ट्रोक करना है लाइक दिस, थोड़ा सा टेढ़ा ले जाकर, ताकि आपकी लैशेस बहुत लेंथी लगे, लंबी लगे। आप चाहें तो कर्लर का भी यूज कर सकते हैं। ब्यूटिफुल मस्कारा लगाते ही मुझे थोड़ा सा आईज वॉटरी होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं एक टिश्यू पेपर लेती हूँ और उसे टियर डक्ट एरिया में यूज करती हूँ। दैट्स इट ओके।
कभी भी मस्कारा को ऐसे ऐसे नहीं करना है, खत्म आपका मस्कारा, एक महीने में सूख जाएगा अगर आपने खोल कर इसको ऐसे ऐसे किया। आपने क्या करना है, मस्कारा को खोला, इसकी वॉन्ड को अंदर घुमाया हल्के से, ज्यादा जोर से नहीं कि टूट जाए, हल्के से घुमाया और इस तरीके से जो एक्सेस होगा उसको ठीक साफ किया और फिर यूज किया, सबसे पहले रूट्स पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि घनी पलके लगे हमारी, जैसे कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रूट्स पे यूज करती हूँ सबसे पहले, बिल्कुल जड़ों के पास, धीरे से, अपने आप को, अपने आईज को हर्ट नहीं करना है। और याद रखिएगा, जब भी मस्कारा यूज करें, कूलर के सामने, फैन के नीचे, एसी के नीचे नहीं यूज करना है। आईलाइनर हो, पेन लाइनर हो, लिक्विड लाइनर हो, मस्कारा हो, थोड़ा सा फैन से दूर रहकर आप मस्कारा यूज कीजिए। जिनके स्क्रीन शो नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका नेटवर्क सही नहीं है, क्योंकि मेरा नेटवर्क पूरा सही है यहाँ पर। ऑल राइट, सो ये लग गया मस्कारा। अब जो आपकी इस पे बचा हुआ है, उसी के साथ आप हल्का सा लोअर लैश लाइन पे यूज करें। मैं दिखा सब कुछ रही हूँ, पर जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो वाला स्टेप यूज कीजिए। तो मैं इसको लोअर लैश लाइन पे यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। So these are my eyes after using all everything, all the products of eyeshadows and mascaras and eyeliners, everything. All right. अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे important step eye का, वो है कि हम eyebrows बनाएंगे। और eyebrows के लिए मैं nude palette का use करूंगी। इसमें सबसे easy है, इसमें जो black color है, angled brush पे लिया और सबसे पहले नीचे की line बनाएंगे starting से, और ऊपर की लाइन बनाएंगे मिडल से। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूं। सो पहले लाइन बिलो, वन सेकेंड, या लाइन बिलो लाइक दिस, फिर मिडल से स्टार्ट कीजिए, लाइन अबव, ओके। अगर टेल पे आपको बाल कम है आईब्रो की, तो टेल को फिल कर लीजिए लाइक दिस। ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बनानी है, ज्यादा ड्रामा ऐड नहीं करना है, बस बहुत ही ज्यादा नेचुरल तरीके से आपने काम करना है आईब्रो पे। और फिर जहां जहां आपको लगता है फिल करना है वहां पर फिल कीजिए। और ये करने के बाद में आपको ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, हमने इसको स्मज करना है। स्मज करने के लिए हम लेंगे, मतलब सही से सेट करना है प्रोडक्ट को। और मैं ले रही हूँ E04 ब्रश, एक साइड कोम्ब है देखिए, और एक साइड ब्रिसल्स। ब्रिसल्स से मैं प्रोडक्ट को अच्छे से फैलाऊंगी अपनी आईब्रो में, ताकि बिल्कुल भी बनावटी ना लगे मेरी आईब्रो। Like this, okay. See the difference between both the eyebrows. कितनी powerful होती है eyebrows, आपके पूरे face को frame करता है eyebrows, बहुत important है। पूरा makeup कर लोगे eyebrows नहीं करोगे, बहुत अजीब look आएगा, incomplete look आएगा। So फिर से बता रही हूँ, nude palette 38815, इसमें black color को हम लेंगे, बहुत ज्यादा black नहीं है ये, jet black नहीं है। एंगल्ड ब्रश पे पहले हम नीचे वाले लाइन को बनाएंगे, ओके, फिर हम अप वाली लाइन को बनाएंगे, ऊपर वाली, मिडिल से स्टार्ट करेंगे, टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, थोड़ा फिल इन करेंगे। बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, मैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लाइव सेशन करना, पर प्रोडक्ट को अगर आप इस तरीके से समझाएंगे कि
इस पैलेट का क्या क्या यूज हो सकता है, इसमें आपको एक हाइलाइटर मिल गया, इसमें आपको आईब्रो बनाने के लिए दो शेड्स मिल गए ब्राउन और ब्लैक, इसमें आपको एक आई शेडो मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है, तो ये ऑल इन वन पैलेट हो गई. यू नो, इस तरीके से अगर आप समझाएंगे सामने वाले को समझ भी आएगा प्रोडक्ट और हो सकता है वो आपसे खरीदे. आप सिलेक्ट करने में मदद कर सकते हैं. लोगों को प्रोडक्ट समझ नहीं आते हैं, नहीं समझ आता है कि क्या लें, कैसे सिलेक्ट करें. आप लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं उनको राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट कराने में. सो इस तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज आप गेन करते रहिए. और मुझे लगता है सबसे इजी होता है कलर कॉस्मेटिक्स से अपना नेटवर्क को बढ़ाना. और ये मैं फ्रंट वाला जो हमारा मेरे जहां कम बाल हैं उसे थोड़ा सा शेप दे रही हूं, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं. और फिर मैं लूंगी ये ब्रश और E04 और इससे हम नाइसली स्मज करेंगे. और ये रही मेरी आईब्रोज रेडी. दोनों को सेम बराबर करने की उस पे मत जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी दोनों आईब्रोज सेम कभी नहीं होती है, तो उसे सेम बनाने की कोशिश भी मत कीजिए. ऑल राइट, नाउ एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनकी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक है, उनके लिए ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सीधा ब्राउकारा का यूज कीजिए. लेट मी जस्ट सी कि ब्राउकारा कहाँ है, जस्ट अ सेकेंड. जैसे एक पर्स में से, लेडीज के पर्स में से प्रोडक्ट निकालना बहुत मुश्किल है, वैसे मेरी वैनिटी में भी सामने होकर भी नहीं दिखता है. सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक. ब्राउकारा मिल जाओ. ओके, आई गॉट द ब्राउकारा. सो ब्राउकारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिनकी बहुत ज्यादा थिक लैशेज हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है. सिंपल आप ब्राउकारा यूज कीजिए, जिसका कोड है 33694. डीप ब्राउन कलर है, हर इंडियन स्किन टोन पर जाएगा ये. आपने इसको दबाकर स्किन पे नहीं लगाना है, सिर्फ बालों पर यूज करना है. हल्का स्ट्रोक कीजिए, इससे एक जगह आपकी आईब्रो के बाल सेट हो जाएंगे, आपकी आईब्रो और ज्यादा घनी लगेंगी. अगर सफेद बाल हैं तो ये उसको भी पूरी तरह से कवर कर देगा. ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, बिल्कुल नहीं बहेगा, चाहे आप जितना भी डांस कर लो, पसीने से बिल्कुल भी नहीं हटेगा. डन. सो ये रहा मेरा ब्राउकारा. ऑल राइट, अब आते हैं, बस बहुत कम स्टेप्स रह गए हैं. अब आते हैं स्ट्रेट अवे हम ब्लश ऑन पे और कॉन्टोरिंग पे. कॉन्टोरिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि द वन का जो मार्बल ब्लेंड ब्लश रेंज है, ये वाली जो इस तरह की पैकेजिंग में आती है, मेकअप प्रो मार्बल ब्लेंड ब्लश. इसमें आप बर्न्ट टेरिकॉटा यूज कीजिए, बर्न्ट BURNT बर्न्ट टेरिकॉटा. ओके, जिसका कोड है 33713. इससे हम करेंगे कॉन्टोरिंग. मेरा कॉन्टोर ब्रश कहाँ है? कॉन्टोरिंग के लिए आप, कॉन्टोरिंग तो मैं रेकमेंड करूंगी कि प्लीज आप ब्रश के थ्रू ही करें. दो ब्रशेस है हमारे पास में, एक है F06 और एक है एंगल्ड ब्रश F02. दोनों से कॉन्टोरिंग और ब्लश ऑन लग सकता है. वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि इससे आप ब्लश ऑन लगाइए और इससे आप कॉन्टोरिंग कीजिए, पर मुझे, मेरा जो फेवरेट ब्रश है वो है F06, दोनों के लिए काम आएगा. और मैं बर्न्ट टेरिकॉटा यूज करूंगी कॉन्टोरिंग के लिए. ओके, सो सबसे पहले जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग. क्यों करते हैं हम कॉन्टोरिंग? क्योंकि हमें तराशियत लानी है अपने फेस पर. हमने हाइलाइटिंग की अपने टॉप ऑफ द पॉइंट्स को उभारने के लिए, और अब हम डायमेंशन लाएंगे, एज लाएंगे, यानी कि बड़े चेहरे को थोड़ा सा हम पतला दिखाएंगे. डबल चिन एरिया हटानी है तो कॉन्टोरिंग कीजिए, जॉ लाइन अच्छे से दिखानी है तो कॉन्टोरिंग कीजिए.
ये मैं बर्न टेरिकॉटा यूज कर रही हूँ और इस तरीके से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ जॉ लाइन से लेकर डबल चिन, पूरी जॉ लाइन एंड डबल चिन, डन। सो मेरी कॉन्टोरिंग इज डन, ऑटोमेटिकली आपको ये डार्कर दिखेगा। एंड नाउ हॉलोज ऑफ द चीक्स, ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो डन, हॉलोज ऑफ द चीक्स। और फिर अपनी, अगर माथा बहुत बड़ा है उसको अगर आपने थोड़ा छोटा दिखाना है तो आप हेयर लाइन के पास भी इसे यूज कर। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यों यहाँ पर ब्राइट रखा, क्योंकि हम एट द एंड कॉन्टोरिंग करते जो कि हम अभी कर रहे हैं, और कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग से पूरा बैलेंस हो जाता है हमारा चेहरा। ऑल राइट, और अब और ज्यादा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, भाई मेरा तो फेवरेट ब्रांड है जुड़ानी गोल्ड, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट लुक आता है इससे आपके फेस के ऊपर। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, बस वी आर अबाउट टू फिनिश। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ दोनों ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, एक है सबलाइम रेडियंस और एक है लूमिनस पीच। आप चाहें तो इसी में दो और शेड आते हैं, बर्न टेरिकॉटा और स्पाइस्ड पीच हेवनली पिंक, ये दोनों शेड भी यूज कर सकते हैं ब्लश ऑन के लिए। ऑलराइट, सो मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ सबलाइम रेडियंस, जुड़ानी गोल्ड का जो ब्रॉन्जिंग पर्ल्स है उसका जो कोड है 34545। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर इसके पर्ल्स हैं, 34545, गोल्डन, पिंक, पीच, सब तरह के पर्ल्स मिलेंगे। चलिए इसे यूज करते हैं एंगल्ड ब्रश के साथ, सिर्फ थोड़ा सा लेना है ब्रश के ऊपर, ज्यादा नहीं, और स्माइल कीजिए और बहुत कम लगाना है। हमें पिंकी पिंकी डॉल नहीं बनना है, ऑलराइट, हमें हमें ऐसा दिखना है कि हम अंदर से ग्लो कर रहे हैं, हेल्दी है। ऑलराइट, जस्ट स्माइल और थोड़ा सा आप जस्ट पुट लिटिल बिट ऑन द चीक्स, एप्पल्स ऑफ द चीक्स। ब्यूटिफुल, डरने की कोई बात नहीं है इन पर्ल्स के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रश पे नहीं लगते हैं, ये बहुत हल्के से लगेंगे और बड़ा ही नेचुरल लुक देंगे ये आपको। आप मुझे अपनी पूरे फेस पर हाईलाइट करना है, द फाइनल हाईलाइटिंग जो कि मैं करूंगी जुड़ानी गोल्ड के लूमिनस पीच से। इसमें गोल्डन ज्यादा है, पिंक कम है, इसमें गोल्डन ही गोल्डन पर्ल्स है, जिसका कोड है 34546। मैं यूज करने जा रही हूँ मेरा फैन ब्रश, इस तरीके से फैन ब्रश को मैं स्वर्ल करूंगी इसमें और ऐसे मैं हाईलाइट क्रिएट करूंगी अपने फेस के ऊपर, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, टॉप ऑफ द चीक्स, क्यूपिड्स बो एंड चिन। मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ हाईलाइटिंग का, जो कि आप ऑन कलर पैलेट से कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू, हमारा जो न्यूड पैलेट था ऑन कलर का, उसमें फर्स्ट शेड जिसे हमने ब्राउ बोन पे हाईलाइट किया था, ये वाला, थोड़ा सा आप इसको स्क्वीज करो ब्रश को, ये हमने लिया ब्रश पे और ये रही मेरी चीक की हाईलाइट, सी द हाईलाइट, ब्यूटिफुल सिंपल ईजी हाईलाइट। तो एक ही पैलेट में आपको आई शेडो मिल गया, आईब्रोज का भी मिल गया, हाईलाइटर के लिए भी मिल गया, वेरी वेरी गुड पैलेट। नोज की हाईलाइट करेंगे एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड, आप देख रहे हैं नोज टिप कितना मेरा चमक रहा है। All right, at the end, जो सबसे important चीज है, that is nose की contouring. Nose की contouring के लिए मैं आपको समझाऊंगी कि आप इसे blending brush से कीजिए, क्योंकि brush, अगर आप normal brush लेते हैं तो हो सकता है इधर उधर लग जाए, nose बहुत छोटा area होता है। Burn terracotta हम लेंगे back of my hand पे और इसे मैं tip of the nose से start करूंगी, ताकि मेरी नोज पतली दिखे,
नीचे की तरफ ब्लेंड कीजिए, ओके, एंड देन अदर साइड, टिप ऑफ द नोज, कितनी खूबसूरती से नाक की हमारी कॉन्टोरिंग हो गई। सो ये मेरी नोज कॉन्टोरिंग डन, फैली हुई नाक को हमने पतला दिखा दिया। ओके, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? जिनकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, दैट इज बिकॉज आपके नेटवर्क सही नहीं है, मेरे यहाँ फुल नेटवर्क है। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिप कलर्स। लिप कलर्स के लिए आप द वन की हाई इम्पैक्ट पेंसिल्स यूज कीजिए, सबसे पहले लिप लाइनर के मतलब लिप लाइनर लगाने के लिए। एंड मैं आज जो लिपस्टिक यूज करने जा रही हूँ, दैट इज नई वाली लिप सेंसेशन मैट मूज। आप चाहें तो प्लीज अपना कोई भी कलर, जो आपको लिपस्टिक पसंद है, अल्टीमेट वाली पसंद है, सुपर मैट पसंद है, आप वो लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। मैं ऑन कलर की लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। मैं यूज करने जा रही हूँ ये वेलवेट मैट लिपस्टिक्स, जिनका स्टेइंग पावर बहुत बहुत अच्छा है, ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स हैं ये। आज जो मैं कलर यूज करने जा रही हूँ, दैट इज सॉफ्ट चेरी, या फिर ये रेड वाला, या फिर इन दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं। यस, इन दोनों को मिक्स करके यूज करेंगे। सॉफ्ट चेरी के साथ मैं जो कलर यूज करने जा रही हूँ, मेरे को दिख रहे हैं दो कलर्स और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक है हमारा स्मूथ बर्गंडी और एक है हमारा रेड कार्पेट। मुझे लगता है मुझे स्मूथ बर्गंडी यूज करना चाहिए डार्कर लिप लाइनर के लिए। सो स्मूथ बर्गंडी का कोड है 41154 ऑन माई लिप्स। इससे हम लिप लाइन करेंगे। आप चाहें तो लाइटर कलर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब मैं थोड़ा सा लिप्स का जो ये माउंटेन पार्ट होता है, इसे बहुत अच्छे से हम यूज लाइन करेंगे। और फिर हम इनर कॉर्नर को फिल करेंगे। क्यों इनर कॉर्नर को फिल करेंगे? क्योंकि देखिए, टेक्निकल बात करते हैं, इनर कॉर्नर को मैं क्यों कह रही हूं, पहले लिप लाइनर क्यों यूज करना है? क्योंकि लिप लाइनर लिपस्टिक को फैलने से बचाता है, पहली बात ये। इनर कॉर्नर पे इसलिए कहा जाता है कि लिप लाइनर को हल्का सा फिल करें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारी सलाइवा, जिसे हम हिंदी में थूक कहते हैं, वो जमा होती रहती है। वो जमा होती रहती है तो हमारा लिप कलर हटता रहता है। कोई भी लिप कलर क्यों ना हो, किसी भी ब्रांड का, आपने देखा होगा सेंटर में से हट जाता है, क्योंकि वहां हमारा सलाइवा, हमारी थूक जमा होती रहती है। तो ये उसको, कलर को हटाने से बचाएगा। हटने से बचाएगा। और थोड़ा सा हम फिल करेंगे, बट सेंटर पार्ट को छोड़ देंगे। ऑलराइट, सो ये रहा मेरा स्मूथ बर्गंडी ऑन माय लिप्स। अब मैं यूज करूंगी सॉफ्ट चेरी 38465। सेंटर पार्ट में नहीं यूज करूंगी। जहां हमने लिप लाइनर और लिपस्टिक लगाई है वहीं पर, सॉरी, जहां हमने लिप लाइनर लगाया है वहीं पर। ओके, okay.
और फिर मैं सेंटर पार्ट में यूज करूंगी दिस रेड कलर, ब्यूटिफुल रेड, इसका नाम है रेड वेल्योर और इसका कोड है 38464. ओह ब्यूटिफुल रेड. और ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ब्यूटीफुल रेड का. ओके, हमारा एवरीथिंग एंटायर मेकअप इज डन. और फेस्टिव सीजन है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, हमें हल्का सा ज्वेलरी के साथ अगर हम इसको एड ऑन कर ले, सिंपल ज्वेलरी, कोई भी सिल्वर ज्वेलरी भी रहेगी. मेरे पास ये झुमकिया है, अगर मैं इसे यूज कर लूं तो आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही ब्राइट लुक आएगा. अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाती हूं, जस्ट अ सेकेंड. हम लोग ऐड करेंगे इसमें बिंदी, बिंदी से भी बहुत अच्छा लुक आएगा. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ऑलराइट, सो ये रही हमारी बिंदी और ये रहा हमारा फेस्टिव लुक जो हमने क्रिएट किया विद ऑल ओरिफ्लेम प्रोडक्ट. आप एक अच्छे दुपट्टे के साथ इसे मैच कर सकते हैं. रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी दुपट्टा लीजिए, कोई भी अटायर लीजिए, ये हर किसी के साथ बहुत ही ज्यादा सूट करेगा. लेट मी जस्ट पुट माई दुपट्टा. सो दिस इज द फाइनल लुक. और ये सारा का सारा हमने जो यूज किया है विद ऑल ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स आप सबके सामने. और ये रहा हमारा फेस्टिव लुक. लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, 30 आवर्स वाली मैंने फाउंडेशन लगाई है, 25 घंटे वाला कंसीलर लगाया है, 24 वाली आई पेंसिल यूज किया, 24 आवर्स वाली स्मच प्रूफ वाटरप्रूफ ब्राउ कारा यूज किया है, 15 घंटे वाला स्टे जो करता है वेट करके हमने आई शेडो यूज किया है. इसके अलावा हमारी लॉन्ग लास्टिंग जो लिपस्टिक है मैट वेलवेट लिपस्टिक उसे हमने यूज किया है. शांति, यू कैन क्लिक अ पिक्चर. शांति आप मेरी क्लिक कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सो दैट आप अपने पोस्ट वगैरह में यूज कर सके. आई होप आप सबको ये ट्रेनिंग बहुत पसंद आई हो. आई होप इस ट्रेनिंग से आपको बेहतरीन प्रोडक्ट नॉलेज मिली हो.